आज के इस शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष के इस कार्यक्रम में हम सभी के प्रेरणा स्रोत देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आधुनिक राजनीति के चाणक्य माननीय अमित भाई जी हमारे बीच में बता रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारी प्रदेश की सह प्रभारी बहन विजय राठकर जी, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और यहाँ के प्रत्याशी भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर के प्रत्याशी भाई कैलाश चौधरी साहब, पाली के हमारे प्रत्याशी पीपी चौधरी साहब, हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया जी, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, राज्यसभा के सांसद मदन राठौर जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब, जोराराम जी कुमावत साहब डेयरी पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, के बिश्नोई जी उद्योग राज्य मंत्री, जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, देवेंद्र जी साले साहब जिलाध्यक्ष जोधपुर, चंद्र प्रकाश जी जिलाध्यक्ष जैसलमेर, बाबू सिंह जी राजगुरु जिलाध्यक्ष बालोत्रा, स्वरूप सिंह जी खारा बाड़मेर, श्रवण सिंह जी राव जिलाध्यक्ष जालौर, सुरेश कोठारी जिलाध्यक्ष सिरोही, मनोहर पालीवाल जी जिलाध्यक्ष जोधपुर उत्तर, जगराम जी बिश्नोई जोधपुर दक्षिण, और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण और एक एक बूथ और शक्ति केंद्र से आए मेरे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं भाई और बहनों। मित्रों, मैं तो सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, 2014 के बाद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीब कल्याण से लेकर के देश के विकास से लेकर के देश की सीमाओं से लेकर से और देश के स्वाभिमान और सम्मान से लेकर के दुनिया के अंदर जितना बड़ा नाम किया है, मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की जोधपुर की धरती से मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को 2014 के बाद उनको बदलने के लिए मजबूर कर दिया कि राजनीति क्या होती है ये सिखाने को मजबूर कर दिया। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी अगर कोई इस देश के अंदर देते हैं तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद अगर आप देखेंगे, कोई भी गरीब आदमी बैंक में खाता भी नहीं खुलवा सकता था, बैंक की चौखट पर भी नहीं जा सकता था, लेकिन अगर ये काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो लोग कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए चलते हैं और गरीब को 15 रुपए मिलते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि अगर केंद्र से 100 रुपए मिलेंगे तो उस गरीब के खाते में 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचने का काम यह मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी के अनुसार पूरा का पूरा पैसा पहुंच रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान के अंदर, आज अगर हम विकास की बात करें तो राजस्थान के अंदर जिस तरह से चाहे वो रेलवे में हो चाहे हमारे हाईवे में हो किसी भी क्षेत्र में हो, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान का ध्यान रखते हुए पूरा काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को बने हुए अभी 3 महीने से कुछ दिन हुए हैं, 90 दिन में आचार संहिता लग गई थी, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं जो हमारा संकल्प पत्र था उस संकल्प पत्र के माध्यम से हमने अब तक 45% पूरा किया है, 45% हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने का काम किया है। हमने आपसे निवेदन किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे और हमने 15 दिसंबर को शपथ ली थी,
25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था हम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाएंगे, अब 6000 से 12000, 6000 रुपए हमारी राज्य की सरकार देगी, हमने 6000 रुपए से बढ़ा करके पहली कैबिनेट में पहली किस्त में हमने 2000 रुपए बढ़ाने का काम किया है और हमने 6000 से 8000 रुपए करने का काम किसान सम्मान निधि का हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का हम काम करेंगे, हमने 2275 रुपए जो एमएसपी था उसको 125 रुपए बढ़ा करके किसान को 2400 रुपए एमएसपी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो सिर्फ 1000 रुपए मिलती थी, हमने आपसे वादा किया है कि हम उसको 1500 रुपए करेंगे, पहली किस्त हमने पहली कैबिनेट में 1150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं, हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया था, हमने आपके बीच में कहा कि उनका मानदेय बढ़ाने का काम भी करेंगे, हमने उनका मानदेय भी बढ़ा करके 10% बढ़ा करके उन सभी का मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा है ईआरसीपी की योजना, जिस तरह से कांग्रेस ने उसको लटकाने का अटकाने का काम किया, हर बार उन्होंने जिक्र की ईआरसीपी का, लेकिन कभी ईआरसी पर काम करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, सिर्फ उस पर राजनीति करते रहे और उनके लोग केंद्र में भी बैठकों में नहीं जाते थे, उनकी भी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार थी, मध्य प्रदेश की सरकार जब कांग्रेस की थी तो गहलोत जी ने उनको पत्र लिखा, कमलनाथ जी ने मने भी किया, इनको नेगेटिव पत्र भी लिखा और कोर्ट में और पहुंच गए कि हम ईआरसीपी को नहीं करना चाहते हैं, यह कांग्रेस के लोगों ने किया। दूसरा काम जो हमारा सबसे बड़ा काम हमारे 3 जिलों का हुआ, हमारा सीकर, चूरू और झुंझुनू के लिए यमुना जल का समझौता था, कांग्रेस कहती थी यमुना जल लेकर के आएंगे, यमुना जल पर काम करेंगे, इनके लोग कभी कभी चुनाव से पहले वह भाटा भी लगा देते थे और इंजीनियरों को बुला करके सर्वे भी करा देते थे, लेकिन कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। हमने अधिकारियों से कहा कि कांग्रेस ने यमुना जल पर कितना काम किया है वो भी आप हमें बता दें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं एक भी पत्र कांग्रेस सरकार का ऐसा नहीं निकला उसने केंद्र की सरकार को या हरियाणा सरकार को कोई यमुना जल को लेकर के पत्र भी लिखा हो। अगर पत्र लिखा था तो 1994 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था और उन्होंने यमुना जल की मांग की थी, उन्होंने यमुना जल की मांग की थी। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान की जनता की ओर से कि उन्होंने जब मैंने दोनों विषय उनके पास रखे उन्होंने ईआरसीपी का समझौता भी करवाया और यमुना जल का भी समझौता हरियाणा से करवाया।